अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्यों से मैनपुरी कोतवाली और गिरोर पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। बता दें कोतमा क्षेत्र में घेराबंदी के दौरान बदमाशों की फायरिंग से पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए हैं। घेराबंदी के दौरान शातिर लुटेरा गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके अन्य दो साथी भागने में सफल हो गए हैं। आरोपी से तमंचे, सोने चांदी के आभूषण, मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ मैनपुरी और अन्य जिलों में 29 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस लाइन के सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार ने बताया कि वंचित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली की टीम गश्त पर थी, तभी कोसमा चौकी प्रभारी अभिमन्यु मलिक ने जानकारी दी कि कोसमा से ग्राम नगला दौलत जाने वाले मार्ग पर तीन बदमाशों का वह पीछा कर रहे हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मौके पर दौड़ लगा दी। पुलिस टीमों ने बाइक सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो इन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो आरोपी खेतों में भागने लगे। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है, दो भागने में सफल हुए हैं। जनपद मैनपुरी के थाना घिरोर और थाना किसनी में दो लूट की वारदातें हुई थी। एक घटना 6 तारीख को ही थी और एक 7 तारीख को ही थी, और मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों ने ये घटनाएं की थी। आज थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अपने सक्रियता के आधार पर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है, और इसको गिरफ्तार करके इससे पूछताछ कर और जो लूट में माल था उसको बरामद किया है, इसे जिला कारागार भेजा जा रहा है।